वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में आपसे बात करेंगे वैसाखी त्यौहार के बारे में और जानेंगे कि यह त्यौहार अप्रैल में ही क्यों मनाया जाता है। वैसाखी का त्यौहार देश के अलग अलग जगहों पर और अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे कि असम में बिहू, बंगाल में नववर्षा, केरल में पूरम विशु के नाम से लोग इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इतने बड़े स्तर पर देश भर में वैसाखी आखिर क्यों मनाते हैं लोग? दरअसल वैसाखी का महान पर्व सिख धर्म की स्थापना और फसल पकने के रूप में मनाया जाता है। इस खास महीने खरीफ की पूरी फसल तैयार हो जाती है और पकी हुई फसल को काटने की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में किसान खरीफ की फसल पकने की खुशी में यह त्यौहार मनाते हैं। बता दें कि 13 अप्रैल 1699 के दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके साथ ही इस दिन को मनाना शुरू कर दिया गया था। यही नहीं, इस दिन पंजाबी नए साल की शुरुआत भी होती है। तो चलिए बताते हैं कि 13 अप्रैल को ही क्यों हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। दोस्तों 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने गुरुओं की वंशावली को समाप्त कर दिया था। कहते हैं इसके बाद से ही सिख धर्म के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना मार्गदर्शक बना लिया था। वैसाखी के दिन ही सिख लोगों ने अपने सरनेम सिंह यानी कि शेर को स्वीकार किया था। गौरतलब है कि यह टाइटल गुरु गोविंद सिंह के नाम से ही आया है। आगे बताएंगे कि वैसाखी नाम कैसे पड़ा। वैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा में होने के कारण इस माह को वैसाखी कहा जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैसाख माह के पहले दिन को ही वैसाखी कहा गया है। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और इसलिए इसे मेष संक्रांति कहकर भी पुकारा जाता है। अब आपको बताएंगे कि 13 या फिर 14 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं वैसाखी का पर्व। दोस्तों यह बात आप शायद ही जानते होंगे कि वैसाखी त्यौहार अप्रैल माह में तब मनाया जाता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। यह घटना हर साल 13 या फिर 14 अप्रैल को ही होती है, इसलिए वैसाखी हर साल 13 या फिर 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि कृषि का उत्सव कैसे है वैसाखी। दोस्तों दरअसल सूर्य की स्थिति परिवर्तन के कारण इस दिन के बाद से ही धूप तेज होने लगती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। इन गर्म किरणों से रवि की फसल पक जाती है, इसलिए किसानों के लिए यह एक उत्सव की तरह होता है। इसके साथ यह दिन मौसम में बदलाव का प्रतीक भी माना जाता है। अप्रैल के महीने में सर्दी पूरी खत्म हो जाती है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। मौसम के कुदरती बदलाव के कारण ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों वे संसार की पूरी टीम की ओर से आप सभी को वैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस साल वैसाखी आपके लिए एक नई उमंग और नई तरंग लेके आए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।